आजादी रे पाछे पहली बार राजस्थान रो कोई कद्दावर नेता देश रा संवैधानिक ओदारी शपथ लेर आपरी पहली पोतरी यात्रा माथे जयपुर पुग्या। सीकर जिले रा खचरियावास गांव रा एक राजपूत कुटुंब माई जन्म्या भैरव सिंह शेखावत महामहिम उपराष्ट्रपति बन गया। इन कामयाबी रो राज शेखावत माने के वणा ने जो भी कार्य सौंप्यो गयो वे ईमानदारी और साची निष्ठा सु पूरो करियो। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत राजस्थान रा 5 दिन रा दौरा माथे जयपुर पुग्या तो वणारो भव्य स्वागत हुयो। राज्यपाल अंशुमान सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हवाई अड्डा माथे वणारो भावभर्यो स्वागत करियो। इन मौके कई राजनेता कार्यकर्ता और विशिष्ट नागरिक वणारो अभिनंदन करियो। जयपुर माए वणारे सम्मान माए नागरिक अभिनंदन समिति से भी जल सूरा खीजो। इनो सर्वे कयो के लागते 4थे साल काल री फेंट झेल री राज्य री जनता ने केंद्र सु वाजिब मदद री वे कोशिश करेला। वे इन खातर राज्य री हालत री जानकारी इन दौरा माए करी। इन मौके न्यारा न्यारा सामाजिक और कारोबारी संगठन वणा ने यादगार री भेंट देर अभिनंदन करियो। जयपुर माए राखियोड़ा स्वागत जलसा माए राज्यपाल अंशुमान सिंह, भवानी सिंह, सांसद गिरधारी लाल भार्गव, महापौर शील धाबाई, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुभाष महरिया खास पावना हा। जोधपुर माए उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत रो रेलवे स्टेडियम माए हुए जलसा माए नागरिक अभिनंदन करियो गयो। इन मौके वे कयो के देश में फैली न्यारी न्यारी दिक्कतारो कोई एक दल इलाज को नहीं कर सके, सगला दला ने सागे आर वो काम करनो पड़सी। इन नागरिक अभिनंदन समिति रा अध्यक्ष पहली रा नरेश गज सिंह शेखावत जी ने पंचरंगी साफो पिरायो और अभिनंदन करियो। इन मौके राज्यपाल अंशुमान सिंह, विधि मंत्री खेत सिंह राठौड़, नगर निगम रा महापौर शिवलाल टांक, सांसद जसवंत सिंह विश्नोई और जिला प्रमुख महिपाल मदेरना भी आपरा विचार दर्शाया। श्री शेखावत गंगानगर जिला रो दौरो भी करियो। आम जनता सु उपराष्ट्रपति शेखावत जी आपरा जाण्या माण्या अंदाज माए लोगा रो अभिनंदन स्वीकार करियो। नागरिक अभिनंदन जलसा माए वे देश री एकता, आबादी नियंत्रण और शिक्षा ने बढ़ावो देवा माथे जोर दियो। सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिला माए वणारा नागरिक अभिनंदन माए लोगारी भीड़ रो समंदर सो इकट्ठो हुए गयो। शेखावत रो पाली जिले रा सादड़ी, बाली, मुंडारा और फालना माए जोरदार नागरिक अभिनंदन करी गयो। 8 वर्षा ताणी बाली विधानसभा री जनता वणा ने विधायक रे बतौर जो लाड दियो वणा ने याद करता थका वे कयो के वे हमेशा हमेशा जनता रा आभारी रहेला। सुरक्षा री परवाह करिया बिना सहज भाव अरे बिना तकल्लुफ वे आपरा जाण्या माण्या अंदाज माए स्वागत माए शहरा री सड़का किनारे खड़ी जनता रो अभिवादन स्वीकारता राजस्थान रो ओ सपूत कोई सु हाथ मिलार, कोई रा पग छूर किनरे माथे हाथ फेरर आपरी कामयाबी महसूस कराई। मुझे इस बात का आभास नहीं था कि मैं उपराष्ट्रपति बनूंगा या उपराष्ट्रपति का मैं चुनाव लड़ूंगा। 2-3 महीने पहले ये सारी बातें मैं इसी इलाके में से गया हूं। जाने के बाद में ये आप लोगों का सहयोग समझ लीजिए, स्नेह समझ लीजिए कि मुझे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। और आपको ये जानकारी बहुत खुशी हुई होगी कि मैं भारी बहुमत से वह इस पद के लिए जीता हूं। ये सब आपकी कृपा और दुआएं थी जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। भविष्य के लिए भी मैं आपको कह सकता हूं कि मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, मैं राजस्थान की जनता से दूर नहीं रहूंगा, मैं हिंदुस्तान की जनता से दूर नहीं रहूंगा। इस पद पर रहकर जनता की समस्याओं का समाधान राज्यसभा के माध्यम से किस प्रकार से हो सके उसका प्रयत्न करके एक हिंदुस्तान का उदाहरण प्रस्तुत कराने की स्थिति बनाना चाहूंगा, जिसके कारण से हम सब लोग हर प्रकार के संकट से मुक्त पा सके। छोटा सा गांव रा साधारण परिवार रो होनहार टाबर जो सुपना माए भी नहीं सोचो हो
के पुलिस री थानेदारी करता करता उपराष्ट्रपति जिनरा संवैधानिक गौरवरा औहदा माते आसीन होन रो अवसर मिलेलो। वे जनतारी भावना ने आपरी भावना सु जोड़ देश रा सहसु ऊंचा औहदा माते पुगण आला उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत आपरी छोटी सी 5 दिन री यात्रा पूरी कर दिल्ली चला गया और छूट गया एक सवाल के यात्रा माए वनारो स्वागत हुयो के नुआ दायित्व ने निभावन री विदाई। एसबीबीजे री कर्ज देवन री योजनाओं रो भरपूर फायदो उठावो, खेतीबाड़ी री उपज बढ़ाए ने जीवन ने खुशहाल बनावो। एसबीबीजे को किसान क्रेडिट कार्ड और एसबीबीजे को किसान गोल्ड कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान गोल्ड कार्ड, किसान वाहन योजना री मदद सू खुश हूँ मैं एसबीबीजे के साथ। खुशहाली रो प्रतीक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। माँ दादाजी के ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए थे? बताती हूँ, हमारा साथ देने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस। ओरिएंटल इंश्योरेंस की मेडिक्लेम पॉलिसी अस्पताल में हुए ऑपरेशन, दवा और डॉक्टरों के खर्च की करे भरपाई। हो गया ना ठीक, ये लो ओरिएंटल इंश्योरेंस। एक बात म्हारी भी सुनो, आपानी मायर भाषा राजस्थान की एक मात्र पत्रिका माणक बाचो और बचाओ और आपानी मायर भाषा रो गौरव बढ़ाओ। अब एक खबरारे जरिए पेश है सप्ताह भर री हलचल। राज्य रा पहला प्रौद्योगिकी संस्थान रो शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार ने जयपुर रे नेड़े रूपारी नांगल माय करियो। ओ संस्थान LNM फाउंडेशन और राज्य सरकार री सांझी भागीदारी माय शुरू हुयो है। जलसा माय बोलता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो के राज्य माय शिक्षा और मानव संसाधन विकास खातर वाजिब माहौल बनावन रा मकसद सु निजी खेतर रा अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालय खातर प्रोत्साहन करियो गयो है। इन मौका पर फाउंडेशन रा अध्यक्ष लक्ष्मी निवास मित्तल कहो के संस्थान संचार नेटवर्किंग और मानव संसाधन सु जुड़िया खेतरा माय अबे ताई चाल री कमी ने दूर करेलो। इन अवसर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री CP जोशी, मुख्य सचिव इंद्रजीत खन्ना, वित्त सचिव MD कुरानी और तकनीकी शिक्षा सचिव रवि माथुर भी मौजूद हा। जोधपुर रा मंडोर स्टेशन रे कन्ने 555 लाख रुपया री लागत सु बनन आला रेलवे ओवरब्रिज रो शिलान्यास रविवार ने हुयो। इन जलसा माय बतौर मुख्य पावना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो किणी भी खेतर रा विकास खातर आधारभूत नाचो जरूरी है। वे कहो के एशियन विकास बैंक परियोजना माय नवी सड़क पर 4 लाइन रो ओवरब्रिज बनाए जावेलो। नगरीय विकास मंत्री डॉक्टर BD कल्ला आपरा अध्यक्षीय भाषण में कहो के ADB प्रोजेक्ट रे तहत जोधपुर माय 250 करोड़ री कीमत रा निर्माण काम कराया जावेला। इन मौका पर न्याय मंत्री खेत सिंह राठौड़, राजस्थान आवासन मंडल रा अध्यक्ष मान सिंह देवड़ा, विधायक भंवर बड़ाई, जुगल काबरा और नगर विकास रा शासन सचिव KL मीणा भी हाजिर हा। मंगलवार ने शासन सचिवालय में राजीव गांधी जनसंख्या मिशन री दूजी बैठक राखी जी। बैठक री अध्यक्षता करता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो के जनसंख्या नियंत्रण रा मुद्दा पर केंद्र और राज्य सरकार ने नवी सोच रे साथे आगे आनो चावे। इन मुद्दा पर सगला राजनीतिक दलां री सहमति बनावन री जरूरत है। इन अवसर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री माधव सिंह दीवान, आयोजना मंत्री डॉक्टर CP जोशी, समाज कल्याण मंत्री छोगाराम बाकोलिया, परिवार कल्याण राज्य मंत्री हेमाराम चौधरी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री शैलेंद्र जोशी और मुख्य सचिव इंद्रजीत खन्ना भी आपरा विचार दर्शाया। भारतीय जनता पार्टी री प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत होवन रे पाछे पहली बार आंथुणे राजस्थान आई श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया रो फलोदी माय गजब रो स्वागत करियो गयो। मुख्यमंत्री रा गृह जिला सु राजस्थान री आपरी पहली आम सभा माय कालराम मुद्दा ने उठावता थका श्रीमती सिंधिया सरकार रे खिलाफ बिगुल बजा दियो। इन मौके पर वे कहो के हर समस्या खातर केंद्र सरकार ने दोषी बतावो गलत बात है। इन यात्रा रे दौरान श्रीमती सिंधिया लरियाल माता रा दर्शन करिया और रामदेवरा मेला माय भी हाजरी दर्ज कराई और पूजा माय हिस्सो लियो।
राजस्थान सूचना और जनसंपर्क सेवारा आला अहलकार डॉक्टर अमर सिंह राठौर सोमवार ने सूचना और जनसंपर्क निदेशक रो काम संभालियो। सोमवार ने सरकार एक हुकुम काडर राठौड़ री निदेशक रा पदमाथे पदोन्नति करी। अबे ताई राठौड़ कार्यवाहक निदेशक रे बतौर काम देख रिया है। गुरुवार ने सूचना और जनसंपर्क निदेशालय रा अधिकारी और कर्मचारी वनारो अभिनंदन जलसो करर करियो। इन मौके वे कहो के वारी कोशिशा रहेली के महकमारा कामकाज में तेजी आवे अरे व्यावहारिक परेशाना रो हल काढ़ियो जा सके। लारले शुक्रवार मानव कल्याण और विकास शिक्षण संस्थान कानी सु चलायोड़ा राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग रा प्रशिक्षणार्थियों रो शपथ ग्रहण जलसो जोधपुर में राखी जो। इन मौके रा खास मेहमान श्रम और नियोजन राज्य मंत्री राजेंद्र चौधरी कहो के तकनीकी और मेडिकल शिक्षा रा विकास खातर निजी क्षेत्र ने औरू बढ़ाओ देवारी दरकार है। सरूपोत माए जिला परिषद री सदस्य गोगा देवी चौधरी आभार जतायो। सीकर जिले रा नीमका थाना गांव माए अंतर महाविद्यालय बालिका खेलकूद होड़ रो उद्घाटन जनसंपर्क राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करियो। इन मौके वे कहो के खेला सु शारीरिक और मानसिक विकास रे साथे अनुशासन और भाईचारा री भावना रो विकास भी होवे। होड़ माए खो खो री नौ टीमा और कबड्डी री 13 टीमा हिस्सो ले रही है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री विनोद खन्ना लारले दिना जोधपुर माए खबर नवीसा सु बातचीत करता थका कहो के राष्ट्रीय विकास माए पर्यटन व्यवसाय खासी भूमिका निभा सके। वे कहो के समूचा भारत माए एक ही पर्यटन नीति बनाई जावेली। इन खातर छह पर्यटन सर्किलों रो विकास करियो जावेलो। नगर निगम जयपुर कानी सू बनायोड़ा नुआ सुलभ सुविधा केंद्र रो लोकार्पण स्वायत्त शासन मंत्री बी डी कल्ला करियो। ओ शहर रो सातवों आधुनिक सुविधा केंद्र है। जलसारी अध्यक्षता महापौर शील धाबाई करी। इन अवसर विधायक उदय सिंह राठौड़ और निगम रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी एस मेहरा भी मौजूद हा। लारले दिना जयपुर माए राज्य स्तर रो अल्प बचत सम्मान जलसो राखी जो। जलसारा खास मेहमान अल्प बचत राज्य मंत्री राम गोपाल बैरवा दीवड़ो जलार इनरी शुरुआत करी। इन मौके वे कहो के इन बरस प्रदेश माए 3200 करोड़ रुपया रा लक्ष्य रे मुकाबले 3475 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। जलसा माए भारतीय प्रशासनिक सेवा रा धर्म सिंह सागर उमराव सालोदिया सी पी व्यास सुधांश पंत राम अवतार ए सी भट्ट आनंद कुमार श्रेया गुहा पी सी मेहरा और विनोद कपूर समेत 27 जना ने सम्मान दिरी जो। प्रमुख सचिव वित्त एम डी कुरानी जलसारी अध्यक्षता करी। स्वरूपोत माए अल्प बचत निदेशक ए आर खान पावनारो स्वागत करियो और विभाग रा कामकाज माथे रोशनी डाली। बैंक ऑफ राजस्थान रा अध्यक्ष प्रवीण कुमार तायल जयपुर माए खबर नवीसा ने बतायो के चालू बरस माए टेली बैंकिंग स्मार्ट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जिनरी सुविधा में शुरू करी जावेली। वे कहो के बैंक आगला 3 वर्ष माए आपरी संपत्तियां ने 500 करोड़ सु बढ़ार खुदरी बीमा कंपनी शुरू करन रो विचार रखे है। इन मौके बैंक रा प्रबंध निदेशक डॉक्टर के एम भट्टाचार्य बतायो के बैंक बरस 2001-02 माए 40.31 करोड़ रुपया रो खरो फायदो कमायो है। अबे आप सुनो एक चावो लोकगीत।
कार्यक्रम माथे आपरा सुझाव आमंत्रित है। मानो पतो है वाता राजस्थान री मानक टीवी 6A फ्रेंड्स कॉलोनी लाल कोठी जनपद जयपुर। फोन नंबर 7421116 और जलते दीप भवन जालोरी गेट जोधपुर। फोन नंबर 6129000। आप हमारे ईमेल से भी संपर्क कर सको। इन पता माथे manaktv@yahoo.com।